क्योंकि पहली बार गुला खड़ा हो गया अपने लिए और हमारे लिए बोला कि ऑलरेडी जिंदगी खराब करके हम जा रहे हैं, तो पहले भी ने राधिका और मुझे गोली मार दी, गुलगुली आके जो बच्चे कुछ नॉन फैमिली मेम्बर थे उनको गोली मार दी, हम सब मर गए। अरे वही तो बोला ना, ही स्टैंड्स अप फॉर एवरीबॉडी, तो वीर से देखा नहीं जा रहा तो मार दिया। क्या बात कर रहे हो, नहीं हम मर रहे हैं। तो फाइनली आपके लुक के बारे में पूछे, कुछ डिफरेंस है हर बार की तरह, चोली और लहंगा चोली? लैला मैं लैला, माइक दादा बहुत परेशान हो गए मुझसे अभी फिलहाल तो, सो क्योंकि इतना नॉइज बनाता, बट नाइस आउटफिट आई लाइक। अच्छा मैंने पूछा था गर्मी का, इतना मतलब इतना गर्मी का मौसम है, इसे आउटफिट को क्या आपको मतलब, मेरे ये इतना भारी है, इतना भारी है, इतनी गर्मी है, कुछ जैकेट भी है और चुभन वाला मटेरियल है, पार्ट लगी हुई है। बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट ईजी, बहुत कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, स्पेशली जब आपके सेट पे एसी नहीं हो और आपको ऐसे शूट करना है, एसी कैसे हवा, वेरी हॉट। बोली शिवानी क्या हो, अपनी गोलियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, पहले क्यों नहीं लिया? अलग है, तो गोलियाँ इसलिए चल रही है क्योंकि पहली बार गुला खड़ा हो गया अपने लिए और हमारे लिए, और बोला कि ऑलरेडी जिंदगी खराब करके हम जा रहे हैं, तो पहले भी ने राधिका और मुझे गोली मार दी, गुलगुली आके जो बच्चे कुछ नॉन फैमिली मेम्बर थे उनको गोली मार दी, हम सब मर गए। अरे वही तो बोला ना, ही स्टैंड्स अप फॉर एवरीबॉडी, तो वीर से देखा नहीं जा रहा तो मार दिया। क्या बात कर रहे हो, नहीं हम मर रहे हैं। तो फाइनली आपके लुक के बारे में पूछे, कुछ डिफरेंस है हर बार की तरह, चोली और लहंगा चोली? लैला मैं लैला, माइक दादा बहुत परेशान हो गए मुझसे अभी फिलहाल तो, सो क्योंकि इतना नॉइज बनाता, बट नाइस आउटफिट आई लाइक। अच्छा मैंने पूछा था गर्मी का, इतना मतलब इतना गर्मी का मौसम है, इसे आउटफिट को क्या आपको मतलब, मेरे ये इतना भारी है, इतना भारी है, इतनी गर्मी है, कुछ जैकेट भी है और चुभन वाला मटेरियल है, पार्ट लगी हुई है। बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट ईजी, बहुत कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, स्पेशली जब आपके सेट पे एसी नहीं हो और आपको ऐसे शूट करना है, एसी कैसे हवा, वेरी हॉट। बोली शिवानी क्या हो, अपनी गोलियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, पहले क्यों नहीं लिया? अलग है, तो गोलियाँ इसलिए चल रही है क्योंकि पहली बार गुला खड़ा हो गया अपने लिए और हमारे लिए, और बोला कि ऑलरेडी जिंदगी खराब करके हम जा रहे हैं, तो पहले भी ने राधिका और मुझे गोली मार दी, गुलगुली आके जो बच्चे कुछ नॉन फैमिली मेम्बर थे उनको गोली मार दी, हम सब मर गए। अरे वही तो बोला ना, ही स्टैंड्स अप फॉर एवरीबॉडी, तो वीर से देखा नहीं जा रहा तो मार दिया। क्या बात कर रहे हो, नहीं हम मर रहे हैं। तो फाइनली आपके लुक के बारे में पूछे, कुछ डिफरेंस है हर बार की तरह, चोली और लहंगा चोली? लैला मैं लैला, माइक दादा बहुत परेशान हो गए मुझसे अभी फिलहाल तो, सो क्योंकि इतना नॉइज बनाता, बट नाइस आउटफिट आई लाइक। अच्छा मैंने पूछा था गर्मी का, इतना मतलब इतना गर्मी का मौसम है, इसे आउटफिट को क्या आपको मतलब, मेरे ये इतना भारी है, इतना भारी है, इतनी गर्मी है, कुछ जैकेट भी है और चुभन वाला मटेरियल है, पार्ट लगी हुई है। बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट ईजी, बहुत कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, स्पेशली जब आपके सेट पे एसी नहीं हो और आपको ऐसे शूट करना है, एसी कैसे हवा, वेरी हॉट।